सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस आपने थंबनेल तो आज देख ही लिया होगा। आज मैं एक्सपोज करने जाला हूँ, करने जा रहा हूँ, जाला नहीं हूँ मैं, तोतले नहीं हूँ गाइस। तो आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ फेक सर्टिफिकेट बनवाने वालों को, जो फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं, जिनका धंधा है फेक सर्टिफिकेट बनाने का, चाहे कुक के लिए बना रहे हैं, चाहे किसी भी ट्रेड के लिए वो फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उनको आज एक्सपोज करने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास नंबर आया था, एक्चुअली मेरे वीडियो थी, जो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर एक बंदे ने कमेंट कर रखा था, कृपया करें जिसको भी सर्टिफिकेट बनवाना है वो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारा ये सर्टिफिकेट नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, प्लीज़ यहाँ से बनवाएं। तो गाइज़ मैंने वहाँ से इनका नंबर लिया, इनको मैंने कॉल किया और इनसे जाना कि कैसे कैसे ये फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बिल्कुल भी मैं प्रेज़ नहीं करूँगा फेक सर्टिफिकेट बनाने की, लेकिन कुछ बच्चे पैसा दे के फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है, जिसके कारण आपको जेल तक भी हो सकती है अगर कंसर्न डिपार्टमेंट चाहे तो। तो दोस्तों सुनो कॉल रिकॉर्डिंग, उस भाई ने क्या बोला और मैंने क्या पूछा उससे। सर जैसे कि कुक के लिए बनवा रहा हूँ तो? हाँ सर कुक के लिए हो जाएगा। कितना सर जैसे मतलब क्या रहेगा सर खर्चा पानी? अच्छा बोल रहा हूँ, आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको तीन डॉक्यूमेंट सिंपल करना पड़ेगा, ठीक है? मेरा इसी नंबर को व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। उस नंबर पे आपको तीन डॉक्यूमेंट सिंपल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट तीन है, एक है फोटो, दूसरा है आधार कार्ड, आपका कोई। तो दोस्तों देखिए फेक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भाई ने तीन डॉक्यूमेंट मांगे हैं, आधार कार्ड, फोटो और आपकी 10वीं की मार्कशीट की तीनों की फोटो कॉपीज, यानी कि फोटो खींच के आप इनको व्हाट्सएप करना था। तो इसके आगे क्या बोलता सुनिए। तो दोस्तों 600 रुपये का सर्टिफिकेट बन रहा है फेक सर्टिफिकेट, इसको तो मेरे हिसाब से यार यूट्यूब पे भी ऐड देना चाहिए, 600 का मच्छी बाजार में 600 का। गाइस 600 रुपये का फेक सर्टिफिकेट बन रहा है और इसे क्या नौकरी मिलेगी आपको? तो सुनिए क्या बोलता बंदा। 300 और 300 डॉक्यूमेंट। गाइस सबसे पहले बता दूं कि कोई भी अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है, आपको मैंने अपना भी दिखाया था, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है तो कभी भी उसके ऊपर आपकी जात पात नहीं लिखी जाती है, काम करने वाले से जात पात नहीं पूछा जाता। इस बंदे ने गलत बोला है, इसको मैंने यहीं पे पकड़ लिया, सुनिए क्या बोलता है। बोलना पड़ेगा तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 600 रुपये नहीं है पैसे देने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो पहले 300 रुपये भी दे सकते हैं और 300 रुपये देने के बाद में ये जो आपका सर्टिफिकेट बनाएंगे टाइपिंग वाइपिंग करके, भाई के हिसाब से टाइपिंग वाइपिंग होती है, तो वाइपिंग का मतलब होता है कि पानी को निकालना, वाइपर से साफ़ करना, तो उसके हिसाब से भाई के हिसाब से सर्टिफिकेट बनाने के बाद में जब बन जाएगा तो ये फ़ोटो खींच के जब भेजेंगे तो उसके बाद में आप 300 रुपये बकाया जो है उसको दे सकते हो। तो इस तरह की से बोल रहे हैं, मतलब कि 600 रुपये भी आप किस्तों में दे सकते हो, बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों, आप ले सकते हो। सुनिए और आपका तो गाइस ये बंदा बोल रहा है कि आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि आपके सर्टिफिकेट कब तक आएगा। वाह भाई इतनी बड़ी बात बोल दी यार, हमें तो पता नहीं था यार, हम तो जैसे कि कहीं और रहते हैं यार, हम तो चांद से आए हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है कि ट्रैक नहीं होता। तू जब चिट्ठी भेजेगा, पोस्टल ऑर्डर से चिट्ठी भेजेगा, चिट्ठी में हमारा सर्टिफिकेट भेजेगा, तो ओबीसी सी बात है ना, हम ट्रैक कर सकते हैं। ये कोई नया बात तो बोला नहीं तूने भाई, यार क्या है यार, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बात को बनाते ना यार, तो मैं समझता कि हाँ थोड़ा बहुत असली लग रहा है। तो उसके आगे सुनते क्या बोल रहा भाई।
देखो अंत में आपको मैं बताऊंगा कि मेरी इसके ऊपर क्या राय है, तो प्लीज़ उस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी नहीं है, प्लीज़ जिंदगी के 10 मिनट दे दो मुझे बस अपने, ठीक है? तो सुनिए, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूछा, अगर किसी ने कोई काम कर नहीं रखा, किसी के पास कोई सच में कोई काम करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसने कभी ज़िंदगी में कोई काम किया ही नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? अब यहाँ पे सुने उस बंदे ने क्या बोला है, सच्चाई बोली दोस्तों, सुनिएगा। गाइज ये बिल्कुल मेरे हिसाब से काफ़ी सही बात इस बंदे ने बोली है, इस बात से मैं बिल्कुल बिल्कुल इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये इस बंदे ने बोला कि मान के चलिए कि अगर SSB में 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो उसमें से लगभग 9,90,000 फॉर्म नकली होते हैं, यानी कि झूठे सर्टिफिकेट होते हैं, इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ गाइज, ठीक है? तो गाइज सॉरी फॉर द बैकग्राउंड आवाइज, बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी गाइज, लेकिन मेरे कंटेंट को सुनिए, आज पर्दाफाश कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है? तो आगे मैं इसको प्ले करता हूँ गाइज, ओके? तो सर ये तो एक साथ देखा जाए तो धोखा ही होगा सर, और दोस्तों मैंने अब अपने चैनल का नाम लिया क्योंकि इसने मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि किसी को भी अगर ज़रूरत हो तो हमसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और काफ़ी बच्चों ने पैसे भी दिए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, इतनी शर्म की बात है मुझे, मैंने अपने सब्सक्राइबर से ऐसा सोचा नहीं था, कुछ बच्चों से ऐसा सोचा नहीं था कि वो इस तरह का काम करने के लिए पैसा देंगे नकली सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ठीक है? तो सुनिए इस बंदे ने आगे क्या बोल रखा है, क्या बोलता है मेरे ही चैनल के बारे में, क्या बोलता है दोस्तों, सुनिएगा इससे ध्यान से, ठीक है? तो गाइज मेन मकसद है स्टैंप और मोहर, स्टैंप और मोहर में क्या फ़र्क है बता दो मुझे, स्टैंप इंग्लिश में स्टैंप होता है, हिंदी में मोहर होता है, इंग्लिश में सिग्नेचर होता है, हिंदी में हस्ताक्षर होते हैं, तो बंदा यहीं पे फंस गया, सुनिए क्या बोलता आगे। तो इस भाई ने अपनी कहानी सुनाई है कि ये CRPF की भर्ती के लिए गए थे कुछ समय पहले, तो ये चेस्ट में छट गए थे,
तो देखो कितनी छोटी सी चीज़ के लिए झटके छट गए थे ये, इन्होंने अपनी कहानी सुनाई है, तो सुनिए आगे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको बोला कि आपने किसी का सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो प्लीज मुझे फॉर्मेट सेंड करोगे, जिसने बोला बिल्कुल सेंड करूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर भी मुझे मेल हेलो भेज दो, टेक्स्ट कर दो, मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको इसका फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, जो बच्चों के मैंने सर्टिफिकेट बना रखे हैं उनका फॉर्मेट आपको सेंड कर दूंगा। तो उस बंदे ने ऐसा बोल रखा था, तो सुनिए आगे क्या बोलता है ये। मैंने अपना नाम गलत बताया, क्योंकि गाइस देखिए चीज़ ये होता है, कभी भी किसी से इन्फॉर्मेशन लेना हो, खासकर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज करने वाली हो, तो कभी भी आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए। तो सुनिए क्या बोला बंदे ने। तो गाइस यहाँ तक थी मेरी कन्वर्सेशन उस बंदे के साथ में, मैंने एक्सपोज किया है कि कैसे कैसे फेक सर्टिफिकेट बनते हैं। तो गाइस आपसे हाथ जोड़ के विनती ये रहेगी कि प्लीज़ फेक सर्टिफिकेट के झांसे में ना पड़ें, पैसा ना दें। दोस्तों हाँ ये बात सच है कि भाई ने बोला कि 10 लाख फॉर्म में से 9,90,000 जो होते हैं वो फेक होते हैं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं करना है। आपके चक्कर में जिसके पास सच में एक्सपीरियंस है, जिसने सच में काम कर रखा है, उसकी नौकरी पे खतरा होता है। तो गाइस ये हरकतें प्लीज़ ना करें। मैं जानता हूँ आजकल की युवा में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, एक तो वैकेंसी भी नहीं निकलती है और ऊपर से इतने समय के बाद निकलती है तो उनकी एज ख़त्म हो जाती है। आई अंडरस्टैंड गाइस प्लीज़ मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपको मैं आगाह कर सकूँ, आपको मैं बिल्कुल समझा सकूँ कि ऐसे काम आपको नहीं करने का। इसको कोई भी आपने पैसा वैसा नहीं देना किसी को। और हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इनको पैसा दिया, उनके पास सर्टिफिकेट पहुँच चुका है, लेकिन बहुत ही गलत, बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे गाइस। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आपने देखा जाए तो आपने जो मैंने आपको समझाया था उस पर आप नहीं चले, तो बट ये चीज़ ज़रूर है दोस्तों कि अगर आपने ऐसी हरकत करी, और बाय द वे अगर SSB को पता लग गया तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो फोर्स है, ठीक है, बस फोर्स है, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यह था मेरा मेन मकसद बनाने का कि फेक सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कॉल रिकॉर्डिंग आपको मैंने सुना दी, एक्सपोज मैंने कर दी, तो प्लीज़ पैसे ना दें। अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत।